राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर का वार्षिक समारोह टाउन हॉल के समीप विद्यालय परिसर में मनाया गया, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के अंदर प्रतिभा छिपी होती है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने में अध्यापक व अभिभावक मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम पेश करने वाले छात्रों को 6,000 रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल परिसर में एक सप्ताह में हैंडपंप स्थापित करने का आश्वासन दिया और कहा कि स्कूल में कमरों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धन का प्रावधान करवाया जाएगा। सीएचटी कुसुम वाला ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, पूर्व सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी विजय ठाकुर, सुभाष चोपड़ा, पूर्व सीएचटी दिलीप सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे। प्राइमरी स्कूल हमें के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और बाकी मैं यहाँ पे बहुत खुशी अनुभव हो रही है। यहाँ जिस स्कूल की स्टैंड जो है 200 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा हमने आशा की थी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हमारा यह प्रयास रहेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल में जो भी कमी आ रही है उस कमी को दूर किया जाए और एजुकेशन है वो सही ढंग से बच्चों को दी जाए। तो हमारी सरकार ने आते ही लगभग 271 स्कूल शुरू हुई और इस 10 से शुरू होने की वजह से हमारे प्राइमरी स्कूलों में स्टैंड बढ़ रही है और फुल स्टॉप लगा था। हमारे पेरेंट्स की जो सोच थी कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छी बच्चों को मिलती है वो दूर हो रही है। पुराने वाले समय में बहुत हमें लग रहा है कि अच्छा समय आने वाला है। धन्यवाद करना चाहूंगा इस एनुअल फंक्शन में मुझे ना यहाँ मौका मिला करते हुए अपने ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है तो यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ठीक चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा जो भी जितने भी कमरे इनकी बन पाएंगे देंगे।